क्वेश्चन नंबर 11, m प्लस एन पी टू इक्वल टू 56, m माइनस एन पी टू इक्वल टू 30। हम लोग को m और n का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें d नन ऑफ दिस है, a, b, c। फर्स्ट ऑप्शन a हम लोग ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। a में क्या है, m इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 2 है, तो m प्लस एन यानी 6 प्लस 2 8, p और यहाँ 2 है तो 2 हो गया। हम लोग को चेक करना है कि इस ऑप्शन से 56 होता है कि नहीं। तो फॉर्मूला जो था एन पी आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब 8 मतलब 8 उल्टा गिनना है, 8 7 फिर 6 फैक्टोरियल। अब हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है। बात तो है कि हम लोग अगर 6 5 4 3 2 1 लिखते हैं, यहाँ भी लिखना हम लोग को 6 5 4 3 2 1, तो हो गया 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 × 7 56। अब सेम ऑप्शन से m माइनस n पी टू सेटिस्फाई होता है कि नहीं 30, वो चेक करना है। तो m माइनस n बन जाएगा 6 − 2 4 p2, तो 4 फैक्टोरियल 4 − 2 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 और यहाँ 2 × 1, तो 2 × 1 2 × 1 कैंसिल 12, तो सेटिस्फाई नहीं होता, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, 7 और 1 है, तो 7 + 1 8 p2, तो 8 p2 से 56 होता है। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से ही देख लिए तो 56 लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या था, m माइनस एन पी टू 30, m माइनस एन मतलब 7 − 1 कितना हो जाएगा 6 p2, इससे 30 होता है कि नहीं देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 6 p2, तो 6 फैक्टोरियल 6 − 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को उल्टा गिनने से 6 5 4 4 फैक्टोरियल यहीं पर हम लोग रोक देते हैं क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, यानी आंसर हो गया ऑप्शन बी।